कोविड-19 के बचाव हेतु अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में भी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं कोमॉर्बिड केस या गंभीर बीमारी के साथ तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ऑब्लिक ट्रायज एरिया में रहकर इनका इलाज प्रारंभ करना, साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से कोविड टेस्ट भी कराया जाना अनिवार्यता रहती है। इन सब चीज़ों में लापरवाही अक्षम्य है और जैसे ही कोविड टेस्ट के रिजल्ट आते हैं अगर वो कोविड निगेटिव आते हैं तो नॉन कोविड अस्पताल में और कोविड पॉजिटिव आते हैं तो तत्काल वहाँ से उनका रेफरल और उनको कोविड अस्पताल में उनके चिकित्सक कंडीशंस के अनुरूप भर्ती कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत जिन 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया जाँच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया, तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ट्रायज एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल ना करना, इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है और साथ ही साथ इनके जवाब को भी मांगा गया है। इसी प्रकार से अन्य अस्पताल भी जो नॉन कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं 100% मानकों को पूर्ण करें, क्योंकि लापरवाही के कारण, लेट रेफरल के कारण या प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करने के कारण कतिपय लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, इन सब चीज़ों को हमें 100% प्रभावी नियंत्रण के साथ रोकना है और इसी के लिए ये कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गई हैं।